बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्विच बोर्ड की वायरिंग जो है वो करना सीखेंगे। बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो स्विच बोर्ड है उसकी वायरिंग जो है वो कैसे होती है। ये पूरा जो है पूरा का पूरा ये मेरा स्विच बोर्ड है और ये उसमें मैंने सॉकेट लिया हुआ है। ये एक बटन है यानी स्विच है। ये स्विच जो है यानी बटन है फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये मेरे पास एक डिमर है और ये मेरे पास लैंप या कोई भी लाइट या ट्यूबलाइट जो है वो है। तो अब देखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमें सप्लाई चाहिए होगी जो कि मेन बोर्ड से आती होती है उमूमन। तो ये मेरे पास न्यूट्रल है और ये मेरे पास फेज़ है। ये मेरे पास दो तारें आ गई हैं, एक फेज़ की और एक न्यूट्रल की। तो सबसे पहले जो फेज़ है वो मैं इनके साथ शॉर्ट कर दूंगा। ठीक, अच्छा, ये फेज़ मैंने इनके साथ शॉर्ट कर दिया। अब जो न्यूट्रल वायर है वो मैं यहाँ भी दे दूँगा। और यहाँ से उठा के वो मैं फ़ैन को भी दे दूँगा। ये मैंने जो न्यूट्रल वायर थी वो यहाँ से उठा के वो मैंने लैम्प को भी दे दी और फ़ैन को भी दे दी न्यूट्रल वायर। अब मैंने न्यूट्रल वायर सॉकेट के साथ भी कनेक्ट करनी है, तो ये मैंने सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दी न्यूट्रल वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब मेरे पास अब मैं इसका हाफ़ जो है वो यहाँ से ला के इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। ये हाफ़ जो है इस लैम्प का हाफ़ आ गया, मेरे पास हाफ़ फेज़ आ गया। और दूसरा जो डिमर है उसको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, यहाँ से आगे एक केबल मैं यहाँ जोड़ दूँगा इसके टर्मिनल के साथ और यहाँ से एक केबल यहाँ जोड़ दूँगा। तो ये इसकी हाफ़ फेज़ फ़ैन का आ गया और ये हाफ़ फेज़ लैम्प का आ गया। तो इसी तरीके से आप जो है वो वायरिंग कर सकते हैं। शुक्रिया।